गुनीत बन गई हैं ड्रीम गर्ल। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ। आपको याद आया ना ड्रीम गर्ल फिल्म का ये डायलॉग? जी हाँ, कुछ ऐसा ही मामला बन रहा है गुनीत के लिए। और वो ड्रीम गर्ल किसकी बनेगी? ऑफ कोर्स अंबर के लिए। और किसके लिए? आपकी ड्रीम गर्ल पूजा बोल रही हूँ। मेरे अमर शर्मा, क्या कर रहे हैं आप? बड़ा दिल कर रहा था मेरा आपसे बातें करने का, इसीलिए तो आपको फोन किया है बातें करने के लिए। बच्चों की हरकतें हैं, अपना लैपटॉप पे और फोन पे जो है एक कोई क्या बोलते हैं उसको, हाँ ऐप जो है डेटिंग ऐप डाउनलोड करके रखा हुआ है और उसमें किसी एक इंसान के साथ बातचीत शुरू हुई है। और जैसा कि अक्सर अमूमन होता है लोगों के साथ कि थोड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन होती है तो आप उसमें खींचते चले जाते हैं, तो वही हो रहा है अंबर शर्मा के साथ। गुनीत ने अपना नाम बदल लिया है, वो अंबर शर्मा के लिए अब एक प्यारी सी लड़की बन चुकी है जो हर पल फोन करती है और उसके फोन का इंतजार अंबर शर्मा भी करते हैं। जरा देखिए अंबर शर्मा की हालत, इनके चेहरे पर अब मुस्कुराहट भी आती है, पहले कभी तो ऐसे नहीं थे। अब गुनीत का फंडा काम करने लग गया है, अब गुनीत को भी ये सब बहुत अच्छा लग रहा है। 99% लोग जो डेटिंग ऐप में बात कर रहे हैं उनको आइडिया नहीं है कि दूसरी तरफ कौन है, तो इसको कहाँ से होगा। फिलहाल तो काफ़ी नया है ये, और हाँ उम्मीद लगा के बैठा है कि लड़की होगी। अगर असल ज़िंदगी में भी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि आप महीने दर महीने या दिनों दिन किसी एक से बात कर रहे हो और पता चले कि ये वही इंसान है जो कि आपके बगल में बैठा हुआ है, तो फिर आपकी पर्सनल इक्वेशन जो उस बातचीत से पहले होती है वो भी आपके जो है दिमाग में घर करके बैठी होती है। हाँ भाई, देखिए प्यार का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये खेल निया और गुनीत ने शुरू किया था, लेकिन आगे चलकर ये फोन की लव स्टोरी सीरियस जरूर होगी, तभी तो डैड को उसकी दुल्हन मिलेगी। से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।